जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि टाटा सफारी डाइकोर बेम जो हमारा EGR कूलर होता है उसको हम लोग कैसे साफ करते हैं, और सबसे मेन चीज़ कि हमारा EGR कूलर होता कहाँ पे। तो हुड को पहले ओपन कर लेते हैं। ये हुड हमारा खुल गया है, इंजन कवर हम हटा देते हैं। गाड़ी अभी चल के आई है तो थोड़ा गर्म है, इंजन कवर हटा के हम साइड में रख देते हैं। ये होता है हमारा EGR सिस्टम, पूरा जो EGR का हमारी असेंबली होती है ये होती है। ये हमारा होता है EGR वाल्व, ये वैक्यूम पाइप होती है, और यही EGR वाल्व जब हमारा खुल जाता है, अभी गर्म होगा चूँकि गाड़ी चल के आई हुई है, तो यहाँ से जो है हमारा जो एग्जॉस्ट गैस होता है, EGR का मतलब होता है एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। तो जो हमारी गाड़ी जब आइडल कंडीशन में खड़ी होती है, जब उस पर क्या कहते हैं हम लोग एक्सीलरेशन नहीं दे रहे होते हैं, तो जो हमारा एग्जॉस्ट गैस होता है उसमें से कुछ पार्ट जो है, जो हमारा अनबर्न फ्यूल या फिर जो फ्यूल होता है, जो हार्मफुल गैसेस होती हैं, मेनली ये होता है फिल्टर, जो हार्मफुल गैसेस होता है उसको दोबारा कंबशन करके एज ए CO2 निकालने का। तो जब आइडल कंडीशन में गाड़ी हमारी खड़ी होती है तो जो कुछ पार्ट हमारा एग्जॉस्ट गैस होता है वो आता है वापस से हमारे इनलेट मैनिफोल्ड में, जो कि ये ऐसे नीचे की गया है, आप देख सकते होगे, और नीचे से जो है हमारी क्या कहते हैं इंटरकूलर की पाइप, यहाँ से क्या कहते हैं इसका इंटेक मैनिफोल्ड होता है वहाँ पे। तो अब इसमें क्या होता है, अक्सर कई लोग जो है यहाँ से ब्लैंकिंग कर देते हैं इनलेट मैनिफोल्ड के, यहाँ से EGR के जहाँ से इसका एग्जॉस्ट होता है वहाँ पे हम लोग इसकी ब्लैंकिंग कर देते हैं। कुछ लोग यहाँ सिम के पास अल्मीनियम की प्लेट लगा देते हैं, कुछ लोग कॉइन से ब्लैंकिंग कर देते हैं। मैंने भी कॉइन से ब्लैंकिंग करके रखी हुई थी 2 रुपए की कॉइन से, लेकिन उससे क्या होता है कि हमारा ये जो EGR का कूलर होता है ये पूरा जो होता है चोक हो जाता है, क्योंकि जो हमारा सूट जो कार्बन डिपॉजिट होता है वो इसके फिन्स में बैठने लगता है, क्योंकि वाल्व तो खुल रहा है, वो तो अपना काम कर रहा है, वो बस इसको पास नहीं होने दे रहा इधर से, और कंबशन चैम्बर में हमारा जो है एग्जॉस्ट गैस जा नहीं पा रहा है। तो दोस्तों मैं इसी के बारे में बताऊंगा कि हम लोग इसको कैसे साफ करते हैं, जिसे आपने ब्लैंकिंग करके रखी हुई है, फिर नहीं भी की हुई, आपका EGR कूलर काफ़ी गंदा हो गया टाटा सफारी डाइकोर में, तो उसको हम लोग कैसे साफ करेंगे। तो मेरा ये वीडियो देखते रहिए एंड तक, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारे प्रोसेस बता दूंगा। अब साथियों एक और सवाल हमारा उठ जाता है कि ऐसी कौन सी ज़रूरत हमारी आन पड़ी कि हमको EGR कूलर साफ़ करना पड़ रहा है। देखिए EGR कूलर हम लोग साफ़ इसलिए करते हैं क्योंकि जब ये गंदा हो जाता है आपकी गाड़ी जो है काला धुआं देती है, पिकअप लो हो जाता है, और प्लस आपके गाड़ी पे MIL या फिर आप कह सकते हो कि जो मैल फंक्शन की चेक इंजन लाइट आती है वो आना स्टार्ट हो जाती है, और वो स्पॉन्टेनियसली आती रहेगी, वो लगातार आती रहेगी जब तक आप इस चीज़ को रिजॉल्व नहीं कर लोगे। दूसरी चीज़, ये जब चोक हो जाएगा इसके अंदर जो कार्बन होगा वो आपके इंजन के अंदर कंबशन चैम्बर में जाएगा, वो पूरा कंबशन चैम्बर में गंदगी जाएगी, वो काला कालिकपन जाएगा, सूट जाएगा, जिससे आपकी गाड़ी की एफिशिएंसी घटने लगती है। और इसका सबसे मेन रीज़न क्या है कि इसकी वजह से टर्बो लैग भी होता है और टर्बो तक में दिक्कत आ जाती है, तो इसलिए इसको साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें ज़्यादातर मेन जो प्रॉब्लम आती है वो आती है हमारे इस EGR वाल्व में। EGR वाल्व में क्या होता है कि जब ये पूरा सूट इसमें भर जाएगा, पूरा कालिक भर जाएगा, कार्बन भर जाएगा, तो ये वाल्व खुलना और बंद करना छोड़ देगा, इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। EGR वाल्व या तो खुला का खुला रहेगा या तो अगर बंद रहेगा तो खुलेगा नहीं, मोटर तक इसकी ख़राब हो सकती है, कुछ गाड़ियों में मोटर भी लगी रहती है तो कुछ गाड़ियों में वैक्यूम से खुलता बंद होता है। तो इसी के लिए मैं आज बताऊंगा, चूंकि मेरा EGR वाल्व एकदम सही है, मैं आपको बताऊंगा कि हमारे मेन EGR का ये कूलर कैसे साफ़ होता है और हमारा कैसे हम इसको साफ़ करते हैं। उसके लिए हमको चाहिए सबसे पहली चीज़, तो अगर आपके पास 10 नंबर का सॉकेट हो, 10 नंबर रैचेट, वही 10 नंबर रैचेट सॉकेट हो गया आपका, या फिर आप 10 नंबर का पाना, आपका जो क्लोज हेड स्पाइनर होता है आप या तो वो भी यूज़ कर सकते हो ये खोलने के लिए।
और उसके बाद जो है हमारा 12 नंबर का बॉक्स, ये सॉकेट, ये आपको रैचेट लगेगी ये खोलने के लिए, ये दोनों बोर्ड्स खोलने के लिए आपको 12 नंबर लगेगा। उसके बाद एक एलन की लगेगी हेक्सागोनल शेप में, तो इसके अंदर जब आप देखोगे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये बोर्ड खोलने के लिए आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हम लोग यहाँ से खोलेंगे, यहाँ पे भी सेम वही 10 नंबर इधर भी लगेगा। गाड़ी ठंडी हो जाने देना है, गर्म में नहीं खोलना है। और फिर ये एक कूलेंट पाइप होता है जो कूलेंट रिसर्कुलेशन के लिए हमारे गाड़ी में लगता है, क्योंकि UGR में गैस को ठंडा करके हमें इंटेक मैनिफोल्ड में भेजना होता है, और इसका बहुत बड़ा रोल होता है। UGR का जो है बहुत बड़ा रोल होता है। हम लोग सोचते हैं कि ब्लाइंड करा देंगे, गाड़ी का माइलेज बढ़ जाएगा, पिकअप बढ़ जाएगा, लेकिन वो कुछ ही टाइम के लिए होता है, लेकिन उसके बाद जो है बहुत प्रॉब्लम आ जाती हैं। मेरे में भी आई, सफारी में भी आई, मेरे चेक इंजन लाइट आती थी, बाद में UGR का उसमें फॉल्ट कोड P0400 दिखाने लगता था, P0400 या फिर P0040 ऐसे कोई कोड था उसका, जिसमें एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन सिस्टम पे फॉल्ट कोड आने लग गया। अब उसके लिए क्या, मैंने इधर से जो मेरा, मैंने इसको ब्लैंक करके रखा हुआ था यहाँ से, उसको तो मैंने हटा दिया, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन हो गया। मैं अभी खोलूँगा तो आपको दिखाऊँगा कितना कार्बन इसके अंदर डिपॉजिट हो चुका है, फिर एकदम बंद हो गई, चोक हो गई हैं। तो पहली चीज़ तो इसको ब्लैंक बिल्कुल मत करिए। ब्लैंक करने से मेरा जो अपना रिव्यू है, गाड़ी में इनिशियली पिकअप और माइलेज दोनों बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ता है। लेकिन क्या है, जब ये आपका, आप अगर उसको ब्लैंक करो ना, तो आप सीधे जीयर वाल्व के पास से ब्लैंक करो यहाँ से। लेकिन यहाँ से अगर आप ब्लैंक कर भी दोगे तो भी मतलब आपकी गाड़ी में चेक इंजन लाइट आती रहेगी, उसको आपको हटाते रहना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी आपका उसे एज ए ब्लॉकेज देखेगा, ये नहीं देखेगा कि आपने उसको इंटेंशनली ब्लैंक किया हुआ है। तो चेक इंजन लाइट आती रहेगी, आपको दोबारा से उसको 3 बार क्या कहते हैं, चाबी काट काट कर या तो उसे रीसेट करना पड़ेगा, या फिर आप OBD2 लगा करके उसको फॉल्ट को डिटेक्ट करोगे, डिलीट करोगे, मतलब काफ़ी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा उसके पीछे। और बेहतर ये होगा कि आप उसको मत करिए, क्योंकि जैसे कि ये गाड़ी में जो हमारा ये UGR वाल्व होता है और UGR सिस्टम जो पूरी असेंबली होती है, उसका मेन काम क्या होता है, जो हमारा एग्जॉस्ट गैस वापस कंबशन चैम्बर में डालता है, तो हमारा जो CO2 डालता है, तो उसकी वजह से इंजन में जो कंबशन चैम्बर होता है उसकी कूलिंग होती है, जो गाड़ी में हमारे क्या कहते हैं फायरिंग पोजीशन होती है, वो उसमें हमारा क्या कहते हैं जो कंबशन चैम्बर जहाँ पे हमारा डीजल बर्न हो रहा है, कंबशन हो रहा है, वो हल्का ठंडा होता है, क्योंकि उसमें CO2 गैस पड़ती है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, इसको हम लोग ये सोचते हैं कि ये हमारी गाड़ी ख़राब कर रहा है, बल्कि ऐसा नहीं है, ये फ़ायदा दे रहा है। हाँ ये है कि थोड़ा आपको ये लगेगा कि बाहर की जो गाड़ी से हमारा वो निकल रहा है धुआं, वो तो गंदगी है, वापस से उसको इंजन भेजना तो ख़तरनाक है, लेकिन ख़तरनाक नहीं है, वो ज़रूरी होता है। कंपनी और सारे इंजीनियर्स कुछ ना कुछ टेक्निकलिटी इसलिए लगाते हैं कि हमको क्या ज़्यादा ज़्यादा फ़ायदा दे सके। और दूसरी चीज़, अगर आप UGR ब्लैंक करते हुए पकड़े गए हो, तो भाई साहब आपकी गाड़ी सीधे सीधे सीज हो जाती है, ये भी जान के रखो आप। अगर कहीं पे प्रदूषण जांच हो रही है, आपने गाड़ी ब्लैंक करके रखा हुआ है, तो आपकी गाड़ी पकड़ी जाएगी, अगर वो पकड़ लिया कभी तो, क्योंकि सीधी बात है NOx की मात्रा ज़्यादा होगी कंबशन में, आपका जो वापस से रिसर्कुलेट होकर की गैस आती है वो कंबशन नहीं होगा, तो आपका NOx ज़्यादा निकलेगा, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, सीधी बात है आपकी गाड़ी पकड़ी जा सकती है। तो ये भी जानिए कि अगर आपने ब्लैंक करके रखा हुआ इंटेंशनली, तो गाड़ी सीज तक हो सकती है, ये चीज़ ना करिए। मैंने की थी, मैं जान रहा हूँ इसमें क्या दिक्कत है, पूरा ये भर गया कार्बन से, इसको मुझे साफ़ करना पड़ेगा आपके पेट्रोल से, मैं इसको पेट्रोल से करूँगा, कुछ लोग डीजल से भी करते हैं, लेकिन मैं इसे पेट्रोल से करूँगा, या फिर आप इसलिए यूज़ कर सकते हो प्योर अल्कोहल। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे साफ़ करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो हमको ये काम करना है कि ये जो बोल्ट हम लोग खोलेंगे कूलर के लिए, और सिमिलरली इधर भी एक बोल्ट है वो खोलेंगे, उसको हमको क्या पहले लुब्रिकेट कर लेना है। तो इसके लिए मैं तो तारपीन का तेल का यूज़ कर रहा हूँ,
आप लोग WD-40 या फिर आपके पास जो भी एक लुब्रिकेटिंग एजेंट हो, कोई भी जो लुब्रिकेट कर सके, बाद में खोल इसको खोलना आसान रहे वो डाल लें, जिससे ये आसानी से खुल जाए, नहीं तो इसकी थ्रेड्स जा सकते हैं। और हमें ध्यान देना कि सॉकेट या फिर क्लोज हेड स्पैनर ही यूज़ करना है। ओपन हेड रिंच आप यूज़ करोगे ना तो उससे क्या होगा कि इसके मुंह जा सकते हैं आपके क्या नाम है बोल्ट्स के, और अगर आप इसको लुब्रिकेट नहीं करोगे तो इसकी थ्रेड जा सकती है। इसलिए ये करना पहले ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत हाईली हीटिंग पोजिशन पर होता है, बहुत गर्म होता है ये जब गाड़ी चलती है तो ये अच्छे से चिपक जाता है, तो उसको थोड़ा लुब्रिकेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले इधर ये दोनों बोल्ट्स आप लुब्रिकेट कर लो, इसको भी आप चाहो तो लुब्रिकेट कर लो, बाकी फिर उसके बाद जो है इस पे थोड़ा लुब्रिकेटिंग ऑयल डाल के थोड़ी देर छोड़ के रखना है कि वो आसानी से खुल सके। तो जैसे कि मैंने सारे बोल्ट्स ढीले कर लिए हैं, ये बोल्ट भी ढीला कर लिया है, इधर X6 से ढीला करना पड़ता है ये अंदर वाला, ये देखोगे आप ये इधर होगा, X6 इसी में रह गई है, ये डालना पड़ेगा, ये X6 इसी में रह गई है, इसको निकालूंगा मैं अभी। और ये पीछे के बोल्ट इसके ढीले हो गए हैं, और अब सारे कूलेंट के जो क्लैंप से पीछे करके मैं कूलेंट की पाइप निकालूंगा, यहाँ से हल्का सा कूलेंट गिरेगा क्योंकि कूलेंट पूरा लाइन में रहता है इसके कूलिंग के लिए। और ये ध्यान देना है ये निकालते समय कि ये शिम गिरने ना पाए, बहुत इंपॉर्टेंट शिम होती है, इसको निकालना पड़ता है और इसको निकाल के बचा के रखना है। तो ठीक है, आगे दिखाता हूँ सब निकालते हुए। और हाँ, ये ध्यान देना है कि कॉमन रेल की जो हमारी ये इंजेक्शन पाइप होती है, इंजेक्टर में जो फ्यूल प्रोवाइड करती है, इसको बचाना पड़ेगा, इसके लिए इसको आगे की तरफ खींच के निकालना है, आगे की तरफ उठा के हल्का सा ऐसे खींच के निकालना है। सचमुच में सफारी बहुत झलाने वाली गाड़ी है, ये वाला बोर्ड खोलने में मुझे 1 घंटा लग गया क्योंकि यहाँ जगह नहीं है खोलने की, आप कुछ इसमें डाल ही नहीं सकते ऐसा है। और जैसे ही आप इसमें रैचेट लगाओगे, स्पैनर लगाओगे, कुछ नहीं इसमें काम करेगा, सब मिला के इसमें काम करना पड़ता है, एक एक टर्न लेने के लिए अलग अलग टूल आपको यूज़ करने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी खुल जाएगा, इतना कठिन भी नहीं है, लेकिन यह है कि जगह नहीं है बस। एनी हाउ हमने खोल लिया है, अब बारी है ये वाला बोल्ट खोल करके इसमें से जो है सारी कूलेंट की पाइप निकाल करके इसको बाहर निकालने की। सिम मैंने इसकी बचा के निकाल ली है, एकदम बचा के, देखिए क्या हाल हो रखा है, सोचिए जब सिम का ये गास्केट का ये हाल है तो अंदर क्या होगा। अब जैसे कि मैंने सारे बोल्ट्स खोल लिए हैं, अब आ रही है ये पाइप और ये पाइप निकालने की, एक हाथ से नहीं कर पाऊँगा, दोनों हाथ लगाने पड़ेंगे तभी सेफली होगा। तो इसको निकालने के बाद यहाँ से हल्का कूलेंट गिरेगा, तो हमेशा याद रखें जब ये काम आप कर लें तो थोड़ा कूलेंट इस कूलेंट रिजर्वायर में टॉप अप कर लें, ज़रूरी अपना कूलेंट मेंटेन कर लें। चलिए देखते हैं, फाइनली आपका सो मच एफर्ट्स, हमारा GR कूलर बाहर आ गया है, इसकी कंडीशन अब देखिए, इसके लिए मुझे फ्लैश लाइट ऑन करना पड़ेगा, ये देखिए कितना कालिक भर जाता है अगर आप ब्लैंक कर देते हो तो, ये पूरा ऐसे भर जाएगा, चोग हो जाएगा। और कूलर में आप इनसाइड देखेंगे अंदर ध्यान से तो फिंस दिखेंगी आपको, जो फिंस दिख रही है ना एकदम चोक हैं, ये इतनी भी चोक नहीं है फिर भी चोक हैं, क्योंकि डीजल कार है तो सूट तो आएगा ही, तो हमको ये पूरी फिंस साफ़ करनी है, और ये हम साफ़ करेंगे पेट्रोल से या फिर आप भी कर सकते हो मतलब, लेकिन प्योर अल्कोहल होना चाहिए जो कि सूख जाए। और ये देखिए, ये मैं नीचे दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन ये EGR वाल्व भी अंदर पूरा इसमें काली, मैं उंगली डाल के कपड़े से साफ़ करूँगा,
थोड़ा बहुत कूलेंट भी गिर गया हल्का सा इसमें से, लेकिन कोई नहीं, सब साफ किया जाएगा। इसको साफ करेंगे ऐसे कि इसमें पेट्रोल डालेंगे, और पेट्रोल डालने के बाद इसके जो दोनों ओपनिंग है उसको मैं कवर कर लूँगा और अच्छे से इसको दो तीन बार शेक करूँगा, मतलब दो तीन बार पेट्रोल डाल के शेक करके फिर ड्रेन, फिर शेक करके फिर ड्रेन, तो ये पूरा साफ हो जाएगा ये। और जितना हो सकेगा कपड़े से किसी भी तरह इसको साफ़ करूँगा, बहुत रफली नहीं करना है, जेंटली करना है सारा काम। तो मिलता हूँ इसको साफ़ करके, ये देखिए इसको भी थोड़ा साफ़ कर लूँगा, थोड़ा कालिक है, तो मिलता हूँ साफ़ करने के बाद आपको। तो फ्रेंड्स, इतनी मेहनत के बाद हमारा ये EGR कूलर पूरा साफ़ हो गया है। 3 लीटर पेट्रोल लगे इसमें, इसको साफ़ करने में पूरा गंदगी देखिए काली गई है, पेट्रोल तो उड़ गया है, काली ही रह गई है। इसको मैंने तब तक साफ़ किया है जब तक साफ पेट्रोल दूसरे एंड से निकलने ना लगे। और अब मैं इसका आपको अंदर की जाली दिखाऊंगा, देखिए अब पहले से कंडीशन कुछ ठीक है, अब दिखने लगी है, पहले कालिक जमी थी। अब मेरा वीडियो पीछे करके देखोगे वो अंदर कालिक थी। ये सिरा देखिए, इसको मैंने एकदम अच्छे से साफ़ किया, हाथ डाल के, उंगली डाल के, अच्छे से कपड़ा डाल के, और पूरा पेट्रोल से इसको अच्छे से लगभग 1 से 1.5 घंटा लगा साफ़ करने में। और कलर रह गया वैसे सूट, और कालिक तो छूट गई है ज़्यादातर, इतना अब ये साफ हो गया है पहले से। तो अब इसको इंस्टॉल करेंगे, और उससे पहले सारे जो इसके पार्ट्स थे उसको साफ़ कर लेंगे। मैंने कपड़े से जो है इसके EGR वाल्व भी अंदर साफ़ कर दिया, और ये कॉलिन की बोतल में पेट्रोल भर के उसको भी थोड़ा चमकाने की कोशिश की है, इसको भी साफ़ किया, काफ़ी गंदा हो रखा था, पूरा कालिक भर गई थी इसमें। तो दोस्तों देखता हूँ अब इसकी दोबारा से इंस्टॉलेशन करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये सब साफ़ करने के बाद एकदम अच्छे से एक बार आप इसकी आउटर बॉडी भी सब साफ़ कर लें, और इसकी वैक्यूम पाइप भी अच्छे से साफ़ कर लें, कुछ सीख से या फिर किसी चीज़ से हल्का सा, लेकिन ध्यान रहे कि वो टूटे ना उस पाइप में, बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो चलिए ठीक है, इसका रीइंस्टॉलेशन करते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैंने सब कुछ बैठा लिया, जैसे उतारा था उसी तरह बैठाया है, बस ये ध्यान देना है कि ये जो हमारा ये EGR वाल्व है इसको बैठाने से पहले हमको ये शिम जो हमारा गास्केट है ये बराबर से इस पर बैठ ठीक से हल्का ग्रीस लगा कर चिपका लेना है, उसके बाद ही बैठाना है, क्योंकि बैठाने में बहुत सा गर्दी करता है। और पहले तो कच्चे तौर पे ये फिक्स कर लेने हैं सब, उसके बाद उसको लगाना है, जिससे हमारे लगाने में दिक्कत ना हो। हल्का हल्का फिक्स करना है, पूरा कस के नहीं टाइट कर देना है, जिससे हमारे पास थोड़ी जगह रहे, मार्जिन रहे एडजस्टमेंट के लिए। तो मैंने पेट्रोल से इसको साफ़ कर दिया, ये भी जहाँ तक साफ़ किया है, अब जा रहा हूँ स्टार्ट करने, और स्टार्ट करके देखते हैं। नई चीज़ें कोई MIL लाइट नहीं आनी चाहिए, कोई चेक इंजन लाइट नहीं आनी चाहिए, और सबसे पहले आप सारे कनेक्शन एक बार चेक कर लें कि हाँ आपकी EGR वाल्व की वैक्यूम पाइप सही से लगी है कि नहीं लगी है, आपके कूलेंट की सारी सर्कुलेशन पाइप सही से लगे हैं कि नहीं लगे हैं, सब बोल्ट्स अच्छे से कसें कि नहीं कसें, उसी के बाद जो है आप गाड़ी ऑन करके चेक करिए। और गाड़ी ऑन करने के बाद 2 मिनट तक गाड़ी स्टिल ऑन रहने दीजिएगा, ज़्यादा रेस भी मत दीजिएगा, आइडल खड़ी रहने दीजिएगा कि देखिएगा कोई चेक इंजन लाइट ना आए, और अगर नहीं आती है तो एवरीथिंग इज़ गुड। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपनी गाड़ी ऑन कर दी है, और देखिए अभी तक तो कोई चेक इंजन लाइट वगैरह तो नहीं आई है। मेरी गाड़ी 158,779 किलोमीटर चल चुकी है, और ये आइडल कंडीशन में ही आपका EGR जो है वर्क करना स्टार्ट होता है, और इसको ऐसे ही 2 मिनट तक स्टार्ट करना है। पहले से आवाज़ भी मेरी कम हो गई है,
काफ़ी कम हो गई है, बल्कि इंजन वाइज बहुत कम हो गया है। और बराबर इसमें से निकल रही है, कहीं लीकेज ना हो ये चेक कर लेना है, और हाँ अपना आप कूलेंट लेवल जो है दोबारा से मेंटेन कर लीजिएगा। तो ब्लैक स्मोक की मेरी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, जो ब्लैक धुआं दे रही थी मेरी गाड़ी वो अब एकदम नहीं दे रही है, आप खुद देख सकते हो, जबकि पहले स्टार्ट करने पे ब्लैक धुआं दे रही थी। काफ़ी फ्रेश और हीटिंग भी नहीं है उतनी। मेन चीज़ क्या है, गाड़ी का अगर EGR ब्लॉक है तो बैक प्रेशर बढ़ जाता है। MIL लाइट भी नहीं आई है, जो चेक इंजन लाइट आती है आप देख लो, बंदी है, ये इधर को आएगी, इधर को चेक इंजन लाइट आती है, ये वाली ये नहीं आ रही है, यानी ऑल गुड। और हाँ कूलेंट लेवल अपना हमको बराबर कर लेना है, गाड़ी में साउंड नहीं आ रहा है, देखिए आप। तो यही था आज का EGR बिल्डिंग प्रोसेस, आप इसको DIY करते हो, आप खुद करते हो तो ये आपकी हाथ कंडीशन हो जाती है। और मेन चीज़ क्या, इसे टर्बो लैग भी नहीं हो रहा है, चेक इंजन लाइट नहीं आई, यही मैं देख रहा हूँ 2 मिनट तक कि चेक इंजन लाइट अगर नहीं आती है तो सब चीज़ बढ़िया है, फिर चला के देखेंगे। बहुत मेहनत की दोस्तों, प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।